जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनका जो शोषण है वो चरम सीमा पर है। अब तो ये हो गया है आलम के चार चार महीने वेतन भी नहीं है। आप खुद समझिए कि एक बंधुआ मजदूरी के संकेत हैं ये। चार महीने तक कंटिन्यू काम लेना इतनी भीषण गर्मी में, इतने बुरे हाल में कि कोरोना जैसी महामारी को भी हमने सर पे झेला है, उसके बावजूद भी अगर चार चार महीने वेतन नहीं मिलता। ईवीएम के माध्यम से इन्होंने हमारा वोट छीन लिया, चोरी कर लिया हमारा वोट। हम जानते हैं इस बात को, ये कब तक गुमराह करेंगे। हम जान चुके हैं कि ये लोग हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं। छह छह महीने सैलरी नहीं है मैडम, भूखे मर गए, भूखे कागार पे है, दाल नहीं है, रोटी नहीं, बच्चों की फीस नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, चूल्हा नहीं जलता, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैडम जी ये क्या जन जो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, चोटी का पसीना नीचे एड़ी में आ जाता है। कितनी मेहनत करते हैं हम लोग और हमारा वेतन हमें नहीं मिलता है। बूढ़े हो के लोग मर जाते हैं इसमें, उनको पक्का नहीं किया जाता। महामारी जो आई है ना उससे भी ज्यादा तहलका मच जाएगा। ये महामारी में तो लोग बच गए मगर जो हमने अपना हथियार डाल दिए ना तो बच नहीं पाएगा कोई भी। और जो एसी के अंदर इतने भी जो बैठे हैं ना, एसी के अंदर इतने अफसरान जो बैठे हैं उनको हम ईंट सीट बजा देंगे। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हमारी बातें नहीं सुनेंगे और हमारे को नहीं बुलाएंगे, हमारी बातों को निवारण नहीं करेंगे, हमारे समाज का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी ईंट सीट बजा देंगे। और चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमें उसके लिए कोई आंदोलन करे, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर और यहाँ पर लगातार जो है एमसीडीज वालों का धरना प्रदर्शन हो रहा है अनिश्चितकालीन। आप सामने देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं लगातार जो है। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी की जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी इन लोगों से जान लेते हैं, मैम किस लिए आप धरना प्रदर्शन करें, क्या मजबूरी है, क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूं कि हम सब जितने भी यहां लोग अभी मौजूद हैं सभी ट्रेड यूनियन लीडर्स और हमारे निगम के कर्मचारी हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, सीएससी और सभी अदर्स डिपार्टमेंट आते हैं। ये वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं जिनको 20 से 25 साल कच्चा रखा गया है और उसके साथ साथ इनकी कैशलेस कार्ड की मांग भी है, उसके साथ साथ इनका एरियर का भुगतान की मांग भी है। मतलब टोटल मिला के ये है कि 20 से 25 सालों से जो एमसीडी के फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, ख़ासतौर पर जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनका जो शोषण है वो चरम सीमा पर है। अब तो ये हो गया है आलम के चार चार महीने वेतन भी नहीं है। आप खुद समझिए कि एक बंधुआ मजदूरी के संकेत हैं ये। चार महीने तक कंटिन्यू काम लेना इतनी भीषण गर्मी में, इतने बुरे हाल में कि कोरोना जैसी महामारी को भी हमने सर पे झेला है, उसके बावजूद भी अगर चार चार महीने वेतन नहीं मिलता तो आप ये सोचिए कि इससे बड़ा कोई कुठाराघात, इससे ज़्यादा शोषण किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का हो नहीं सकता है। तो हम सबकी जो मांग डिमांड है वो जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन है जो 25 साल से पक्के नहीं हुए, उनको कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं है, क्या एरियर की सुविधा नहीं है, समय से वेतन नहीं है, हमारा बोनस समय से नहीं है, जितनी भी हमारी मांग डिमांड है वो उन सब को लेके अब हम मजबूर हो गए हैं सड़कों पर उतरने के लिए। क्योंकि उससे पहले ठीकरा फोड़ दिया जाता था केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार पे और दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पे, लेकिन अब जब पूरी एमसीडी एक हो चुकी है, केंद्र शासन लागू हो चुका है, 2 महीने ये सिस्टम को लागू हुए हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी हमारे कर्मचारियों की 4 महीने से सैलरी और पेंशन नहीं है। इस सब को लेके हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपने कहा शोषित जो है और पीड़ित किया जा रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, किस तरीके का शोषण बता। मैम देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा, मैं दोबारा से एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने बंधुआ मजदूर शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि अगर आपसे दिन बाय दिन, आप प्रतिदिन डे बाय डे आपसे काम लिया जाए और आपको आपकी मजदूरी ना दी जाए तो ये बंधुआ मजदूरी ही कहूँगी, ये शोषण ही है। ये इतना बड़ा शोषण है कि इतनी गर्मी में आप खुद सोचो कि एक रोड पे फोर्थ क्लास एम्प्लॉई पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करता है, 4 बजे मुँह अंधेर उठ के सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से एक रूप देने का काम करता है और उसके बावजूद भी उनको वेतन नहीं है। आप उस घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनके बच्चे किस स्थिति में होंगे, कितना भयानक मंजर है ये कि 4 महीने वेतन का ना मिलना, क्या खाएगा कर्मचारी। वेतन तो लगातार मिल रहा है, सरकार दावे कर रही है
नहीं, सरकार के दावे करने से मैम कुछ नहीं होता है। मैं कह रही हूँ आप फिर आपके चैनल के माध्यम से अगर वेतन भी कंटिन्यू होता तो ये सब कोई लोग पागल नहीं है। आप पूरा सर्वेक्षण उठा लीजिए, चार चार महीने हो गए हमारे पूर्वी दिल्ली के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। लोगों का कहना भी है कर्मचारी जो है अपने काम ढंग से करते नहीं है, सोते रहते हैं काम के वक्त पे, मौज मारते हैं, तो वो जो लग रहा है। मैम एक बात बताइए आप, एक चीज सिर्फ थोड़ी सी ह्यूमन सेंस वाली बात है कि सबका इतना कॉमन सेंस इस्तेमाल होता है, अगर मेरा सफाई कर्मचारी काम नहीं करता तो हजारों मैट्रिक टन कूड़ा डेली दिल्ली की गलियों से, दिल्ली शहर से, हर एक क्षेत्र से उठाया जाता है, जिसका प्रमाण है बाईपास का डलावघर और हमारा शाहदरा का डलावघर। तो इतना हजारों मैट्रिक टन कूड़ा जो प्रतिदिन सड़कों से क्षेत्र से उठाया जा रहा है, वो काम करने कौन आ रहा है? 25 सालों से कच्चे हैं, यही पक्के होने के लिए। हाँ, वही मैं समझना चाहती हूँ, हमारे जो दर्शक है वो भी यही समझना चाहते हैं, वो समझाइए ना आप लोग। हम ये समझा रहे हैं कि हमारे डेम्स डिपार्टमेंट को सुनिए, जो सफाई कर्मचारियों का डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और 37 डिपार्टमेंट और हैं। 37 डिपार्टमेंट में से 36 डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी कच्चा नहीं है, ऑलरेडी सब लोगों को पक्का किया हुआ है। तो डेम डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी को 25 साल से क्यों पक्का नहीं किया जा रहा? हमारे लोग बूढ़े हो रहे हैं, 18 साल 20 साल की उम्र में लगते हैं और 50-55 की साल में आज वो रिटायरमेंट की एज में जा रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है। तो ये प्रशासन जवाब दे ना, क्यों पक्का नहीं कर रहा? पक्का नहीं कर रहे हैं तो मगर लॉन्ग टर्म तो आप काम तो कर ही रहे हैं ना, और आपको वेतन भी मिल रहा है। नहीं, फिर रूल रेगुलेशन किस लिए होता है? मैंने कहा 36 डिपार्टमेंट और है, वहाँ कच्चा आदमी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वहाँ पर रेगुलाइज क्यों कर दिया गया? हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब लेने हम कमिश्नर से आए हैं। अगर वो पक्का करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, कूड़े के ढेर लगा देंगे हम लोग। 15 अगस्त पे हड़ताल करेंगे इस बार। धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल धमकी है खुली प्रशासन को। हमारे सब्र की इम्तिहान की जो परीक्षा ली जा रही है, यदि हमारे लोगों को पक्का करना शुरू नहीं किया कमिश्नर ने, हमारे जो रिटायर कर्मचारी हो गए, डेथ हो गई, 5-5, 10-10 साल से उनकी सर्विस का पैसा नहीं दिया जा रहा, सारे डिपार्टमेंट की पेमेंट कर देते हैं, डेम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की पेमेंट क्यों नहीं करते ये लोग? बताइए क्या जुल्म है ये, क्या अन्याय है? सरकार से आप न्याय मांगना चाह रहे हैं? हम इस तरह न्याय मांगना चाह रहे हैं जैसे दूसरे डिपार्टमेंट। किस सरकार से मांग रहे हैं हम लोग? पहले तो कॉरपोरेशन से मांग रहे हैं, आज कॉरपोरेशन पहले यूनिफाइड हो गई, अब पहले ट्राइफर्केशन हुआ था। हम 2012 से परेशानी भुगत रहे हैं, जब शीला गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन को 3 भागों में बांटा था, उस वक्त से हमें तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है। केजरीवाल का क्या दोष है? जो केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल महा झूठा है। उसने कहा था जब 49 दिन की सरकार बनी थी, मैं ठेकेदारी हटा दूंगा, आज तक नहीं हटाया, किसी कर्मचारी को पक्का करने का पैसा दे दूंगा। हमारे लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको उठा के राखी बिड़ला लेके गई, एक भी कर्मचारी का अधिकारी कहाँ दिया है जो आप उनके लिए बात कर रहे हैं? तो वो तो चुनाव होगा जब मिलेगा ना, जब चुनाव में जीत जाएंगे जब देखेंगे। केंद्र सरकार तो उनको टाटा फिस हो गई, चुनाव आगे चला गया। आपकी मांगे किससे है, मैं यही पूछ रही हूँ, किस सरकार से है? केंद्र सरकार से, निगम प्रशासन से, केंद्र सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय उसी के अंदर आता है। सरकार को लाने वाले आप ही लोग। वोट तो उन्होंने लिया कहाँ, हमसे छीन लिया, छीन लिया आप लोगों से। मैं बताता हूँ क्या छीन लिया, ईवीएम के माध्यम से इन्होंने हमारा वोट छीन लिया, चोरी कर लिया हमारा वोट, हम जानते हैं इस बात को। ये कब तक गुमराह करेंगे? हम जान चुके हैं कि ये लोग हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं, हमें पता है। सीधा सीधा सरकार पे वोटों की चोरी का लांछन लगा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है मैडम, एक बात बताओ, ये सच है जो मैं कह रहा हूँ। सरकार चाहे तो सबूत है हमारे पास, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल सबूत है हमारे पास। आप दिखाने वाले बने चैनल पर? रुके सर, आप चैनल पर दिखाने वाले बने? हम दिखाते हैं आपको सबूत, के हमारे पास सबूत है इसके। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो है सारे चुनाव जो है वीवीपैट लगाएंगे, नहीं लगाए, इसका मतलब चोरी कर रहे हैं। क्यों नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की बात को? मानना चाहिए, नहीं मानते। ये कहते हैं कि जी आप वोटिंग करा लो, आओ कराओ वोट, क्यों नहीं वैलेट पेपर में वोट कराते? करा लो ना, पता लग जाएगा कितनी ताकत है। बाहर विदेशों में भी जो है, मैडम जी विदेशों में बहिष्कार हो करके निकली है ये, सिर्फ एक एक भारत के अंदर चल रही है और कहीं नहीं चल रही है। आप तो मीडिया के आदमी, आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए हमसे। वही बता रही हूँ कि ऐसे सरकार पर भी नहीं है। जापान ने बनाई, जापान ने बहिष्कार कर दिया, चीन ने बहिष्कार कर दिया। डिजिटल बना रहे आप लोगों को, डिजिटल बनाओ लेकिन कम से कम अधिकार तो दो लोगों को। आप दोषी बता रहे हैं, केजरीवाल भी, केंद्र सरकार भी लगातार। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जल्द से जल्द
वोट लेने का तो आपका अधिकार है, हमारा अधिकार वोट देना है, लेकिन हमारी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। सफाई कर्मचारी कितनी दयनीय स्थिति में है, परमानेंट नहीं किया जाता, पक्का नहीं किया जाता, डेथ केस पड़े हुए 20-20 साल के, जिनके माँ बाप मरे हुए हैं उनको नौकरियाँ नहीं है, 20-20 साल के बच्चे वर्कर हैं क्या? हाँ वर्कर हैं, मैं भी। तो मैं तो श्री प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्या को आपके चैनल के माध्यम से जल्द सुनवाई करें, हमारी ओर ध्यान दें। अगर तो आप वहाँ तक बात पहुँचा सकती हैं तो हम, नहीं तो ये सफाई कर्मचारी पूरा सड़कों पे आ जाएगा, सड़कें जाम करेगा, तोड़फोड़ करेगा, उससे तोड़ करने की आप बोल रहे हैं, अभी वो रेल की पटरियां उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वही बात आ गई, वो बात तो वही की है। आप संपत्ति को नष्ट कर देंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं कर रहा, संपत्ति को नष्ट वो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकारी संपत्ति को सही जगह लगा रहे हैं वो लोग। सरकार में जो बैठे सही जगह, जब हमारे अधिकार, हमारी समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहे तो ये कहाँ, ये हम भी तो संपत्ति है सरकारी। अंदर ईमानदारी होना तो केंद्रीय सरकार से पैकेट मांग सकते हैं हमारे एरियर का। किन में ईमानदारी? इनमें नहीं है ईमानदारी, नहीं है। निगम के अधिकारियों में उनको ईमानदार भी नहीं पता? नहीं, हम ईमानदार नहीं बताएंगे, ईमानदारी नहीं है इनके अंदर, बुरे हैं। यदि ईमानदार नहीं बता रहे हैं, कभी जो केंद्र सरकार पे आप जो है लांछन लगा दे रहे हैं। नहीं नहीं, केंद्रीय सरकार से मांग कर सकते हैं हमें पैकेट दिया जाए ताकि इनका एरियर भुगतान करें, लेकिन मांग ही नहीं कर रही है हर जगह पैकेट। तो केजरीवाल के खिलाफ धरना क्यों हो रहा है केंद्र सरकार? केजरीवाल के खिलाफ इसलिए है कि केजरीवाल जो है वादे करता भूल जाता। फिर उन्होंने आपका MCD तो उनके हाथ में है ही नहीं ना? नहीं है तो अब जो है केंद्रीय सरकार के हाथ, उन्हें कहाँ अधिकार देते हैं? LGB जो है ना, वैसे कह देता जाओ वहाँ कमिश्नर से मिल लो, ये उनकी आदत। LG चाहे तो आपको सबसे शिकायत है, परेशान है? मैं बता रहा हूँ, यदि LG चाहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर यदि चाहे ना तो केंद्रीय सरकार से पैकेज मांग सकते हैं कि भाई इनका एरिया रुक रहा है, इनके बोनस रुक रहे, दो सब हर केंद्रीय सरकार के लोगों को बोनस मिल चुका है, हमें आज तक भी नहीं मिला है, दो साल का। 6-6 महीने सैलरी नहीं है, इसको राजनीति मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा कर्मचारी सरकार राजनीति मुद्दा बनाती है, सरकार बैठी है राजनीति करती है, हम मुद्दा बना रहे हैं राजनीति। मैडम जी देखिए, मैं आपके किससे मांग करने आए हैं? हम अपने कमिश्नर से। किसके अंदर आती है MCD बताइए? मैं मुद्दा बना रही हूँ सरकार, आप बता रहे राजनीति। गृह मंत्रालय के अंदर आती है इस वक्त जो है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है MCD जो है। हम अपनी मांग डिमांड के लिए आए हैं अपने कमिश्नर के पास में। 6-6 महीने सैलरी नहीं है मैडम, भूखे मर गए, भूखे कागार पे है, दाल नहीं है, रोटी नहीं, बच्चों की फीस नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, चूल्हा नहीं जलता। हमारा दर्द हमें पता, सड़कों पर काम करते हैं हम, सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं। अब ये 46 पारा कम से कम गर्मी कितनी है, इस भरी गर्मी में हम कार्य करते हैं फिर भी हमारे समय पर सैलरी नहीं है। 6-6 महीने सैलरी नहीं होती हमारी जो है हमारे कर्मचारी, हम भूखा मर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है हमें पता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैडम जी ये क्या जाना जो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं? आप यहाँ चिल्ला रहे रोडों पे, सरकार को लाने वाले आप लोग हैं। सरकारी बात मत कीजिए आप, हम नहीं राज मत कीजिए। किससे मांग करने का? अपने कमिश्नर से। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम अपने कमिश्नर के पास आए अपनी मांग डिमांड के लिए। 6-6 महीने से हमारी सैलरी नहीं हुई है, ठीक है मैडम जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं। सरकार की बात आप खुद कर रहे हैं यहाँ पर कि वो केजरीवाल इस तरीके से, ये तरीके से, मैं कह रही हूँ ये झूठा आश्वासन देते हैं लोग जो है। इनसे कई बार हमारी मीटिंगें हो चुकी है। MCD उनके अंडर है जो आश्वासन? मैडम ऐसी बात नहीं है, MCD अंडर में नहीं है। अगर MCD उनके अंडर में नहीं तो बोलना भी नहीं चाहिए उनको। ये हमारा हक छीनते हैं, हमारे लोगों को बरखलाते हैं। उनके लिए आप खड़े हो गए कि पैसों में आए हैं क्या आप लोग? पैसा वैसा दिया गया क्या? नहीं है। सुनिए मैडम, हम पैसे की पैसे वाले नहीं है ये पैसे दिए जाते क्या? हमारा वेतन दिया जाए, लाभांश दिया जाए, और जो हमारी पेंशन है वो रुकी गई है। क्या कुछ करेंगे यहाँ पर? नहीं मैडम, देखो प्रदर्शन करना है, अभी हम सरकार को चेतावनी देने आए कि भाई हमारी जो मांगे हैं चेतावनी दे रहे हैं लगातार, कोई पटरी उखाड़ने की बात कर दे रहा है कोई नहीं है। हम देश को, मैडम हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मूल निवासी है, हम ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे जिसकी देश की संपत्ति को नुकसान हो। जागृत है, मूल निवासी है जी मैडम, जागृत हो चुके हैं हम। अभी जो लोग खड़े निवासी सो रहा है,
नहीं मैडम सो नहीं रहा है, ये नींद सो रहा है। अच्छी आपके चैनल के, मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो नहीं आती कभी, वो दिखाती है लड़ाई झगड़ा दिखाती है हमेशा, हर किसी का अगर किसी का कुछ हो जाए तो वो दिखाती है, लेकिन जब बात आती है दलित समाज की, दलित बहन बेटी बताते जाए उनके कोई मीडिया कोई वो नहीं दिखाता, बस अपनी वो जो कहते हैं रैलियों में जाने वाले आप ही लोग होते हैं सबसे, रैली में जाने वाले हम लोग नहीं होते, रैली में हमारा कोई मतलब, हम ऐसा नहीं होता मैडम, हम आए अपने लोगों वोट देने वाले आप ही लोग नहीं मैडम, वोट देखो मानिए अराजकता करने वाले लोग कर रहे हैं, बाकी मैडम ये देखिए कितना हुआ है, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग मीडिया दिखा रही है नेशनल, और हम लोग जो बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला मचा के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें कोई नहीं दिखाने वाला नहीं है, क्यों ऐसा क्यों? अगर अग्निपथ इतना अच्छा है तो प्रधानमंत्री जी 4 साल बाद हट जाए ना जी, क्यों बैठे हैं क्यों, जब अग्निपथ उनके लिए अच्छे नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं, विदेशों में इतनी आपकी वाहवाही हो रही है, भारत की हिंदू राष्ट्र बन चुका है, आप लोग हिंदू, आप लोग हिंदू राष्ट्र चाहते थे बन चुका ना, ये मुद्दे पे नहीं है, क्या कहना, हमने क्या बोला, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के नागरिक जो है वो परेशान है, दिल्ली के जो साफ स्वच्छ रखते हैं, आप जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हो आपका पूरा अपना रोड स्वच्छ मिलता है, लेकिन हमारी बहन बेटी अब अपना घर बार छोड़ के जाती हैं, कोई नाश्ता करा किसी ने नहीं करा, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं हमारे, लेकिन फिर भी समय वेतन नहीं है, क्यों ऐसा क्यों करा जा रहा है हमारे साथ, किस वजह से किया जा रहा है हमारे साथ, ऐसे रेयर रेयर जगह है वहाँ पे तो कूड़ा करकट ऐसे ढेर ढेर लगा, अभी क्या करा गया है जो सरप्राइज विजिट कर रहे हैं हमारे लोगों पे, जो है आराम फरमाते हैं, नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ क्या होता है हमेशा जब भी, मैं नहीं कह रही हूँ लोगों को, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ऐसा होता है जब जब कोई ऐसी मुसीबत आती है तब वाल्मीकि समाज दलित समाज याद आता है कि अब इनके साथ काम करना है, लेकिन जब दलित समाज की वेतन की बात आती है, दलित समाज की किसी कैसे काम की बात कर रहे हैं कि दलित समाज याद आता है कैसे काम में? जैसे आपने बताया हिंदुत्व के लिए कि हिंदू जैसे हमारे लोग जाते भी तो हैं, नहीं जाते भी तो है हिंदू राष्ट्र बना, नहीं मैडम ऐसा है राष्ट्र बन चुका है, खुश हो जाना चाहिए मैडम अलग है, लेकिन बात समय हमारी वेतन की है ना, हमारे बच्चों के अधिकार क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हिंदू राष्ट्र बन गया खुश होइए, सुनिए मैडम अभी कहते हैं आपने कि आप अभी समाज का जागृत क्यों नहीं हो रहा, जागृत इसलिए नहीं हो रहा हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो जागृत कैसे होगा, सरकार वगैरह को आपने ज्ञापन वगैरह देखो विज्ञापन अभी जो हमारे लीडर ज्ञापन जी जो हमारे लीडर्स हैं वो कर रहे हैं इस चीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम ये काम करने वाले, अगर हमसे बात कर ले तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मिलने आया बात बात की, नहीं देखो मैडम अभी कोई मिलने नहीं आया, अभी एलजी साहब से हमारे संतलाल चावरिया जी ने, हमारे ऑल इंडिया वाल्मीकि फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष खन्ना डिगोलिया जी ने, इन्होंने सब ने मीटिंग की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन वहाँ से अभी कोई जवाब नहीं आया, अभी जैसे कि हमारे लीडर्स अभी अंदर गए हैं सिविक सेंटर में कमिश्नर साहब के पास जो ज्ञानेश भारती जी हैं उनके पास गए, उनसे ही वार्तालाप करने गए हैं, अगर वहाँ से कोई नेगेटिव जवाब आता है तो हम हड़ताल करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव जवाब आता है तो हम सब लोग अपने घर जाएंगे। क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कौन से लोग हैं वो आरोप हुए कर रहे हैं काम, दो ही दिखते हैं रोड पे, सिपाही और सफाई कर्मचारी, 10 बजे 100 का उठे हैं सबका, 10 बजे तो यहाँ काम कर दे, मैं सफाई के लिए तो अभी देखिए मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया 4 साल के, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? जब 2 दिन झाड़ू चलाओगे ना आप तब पता चलेगा चोटी का पसीना नीचे एड़ी में आ जाता है, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग और हमारा वेतन हमें नहीं मिलता है, बूढ़े हो के लोग मर जाते हैं इसमें, उनको पक्का नहीं किया जाता, ऐसी कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा है, ये समाज हम लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा आ रही है, ये नहीं देख रहे आप ला रहा है ठेकेदारी, आप लग रहा है मोदी भक्त हैं, क्या किया है मोदी जी ने, क्या किया है जो सरकार ने बनाया वो सब काम, सवाल करना है, हाँ सवाल करना तो हमारा भी सवाल देना है, जवाब देना है आपको, ठीक है हमारा नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हम, हमें हमारा वेतन, ठेकेदारी प्रथा कौन ला रहा है, कौन ला रहा है ठेकेदारी, मोदी जी लेवा के लेके आ रहे हैं ठेकेदारी प्रथा, और कौन लेवा के लेके आ रहा है, जो जो कांग्रेस ने बनाया वो सब बेच डाला है, देश में देखो ना क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान करवाते हैं बस यही है उनका काम, राजनीति कर रही है 24 घंटे तो वो देश से बाहर रहते हैं, कब कब रहते हैं देश में, कब हमारी सुनते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी सुनवाई कोई नहीं होती है, हमारे संविधान के लिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं जो हमें जीने का तरीका सिखाया अंबेडकर साहब बाबा ने, उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया, हम पढ़ चुके हैं रोडों पे आ जाते तो अंबेडकर जी को याद करने लगते, उसके पहले आप जो है वोट, उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है तो उन्हें क्यों नहीं याद करेंगे, आपने दिया है या मोदी जी ने दिया हमें ये अधिकार दिया हमें अंबेडकर बाबा ने और किसी ने नहीं दिया, हमें उन्हीं ने अधिकार दिया है जीने का, आपने नहीं दिया हमें,
अधिकार जिसने हमें दिया ना हम उसके गुण कहेंगे। 13 घंटे काम कर रहे हैं आप लोग, उन पे लांछन लगा रहे हैं। लांछन कैसे नहीं लगाएंगे मोदी जी के लिए, लगाएंगे। सुने ना, हमारी फिर आके सामने आए, मतलब आप लोगों के बीच में आएंगे वो, सुने ना, देश विदेश के कार्य ना करें। हमारी सुनेंगे क्यों नहीं, फिर हमारी सुनते क्यों नहीं है, सुने भी ना हमारी। फिर एक व्हाइट कपड़े पहनने से सब कुछ नहीं होता है। और जब भी उनके लिए आते हैं लोग मिलने के लिए, जब भी देखो देश में बाहर मिलते हैं वो, कभी होते हैं देश के अंदर। सही तो है, और लोगों को भी मौका मिलेगा ना, काम और रोजगार मिलेगा। नहीं, बाकी और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो रहा, एक एमसीडी में ही, एमसीडी के लोगों को ही टॉर्चर किया जा रहा है। ये एमसीडी के लोगों को टॉर्चर ना करें। नहीं, जिस टाइम पे हमने काम करना बंद कर दिया ना, तो कीड़े चल जाएंगे दिल्ली के अंदर। 8 दिन रह नहीं सकते, रह नहीं पाओगे। महामारी जो आई है ना, उससे भी ज्यादा तहलका मच जाएगा। ये महामारी में तो लोग बच गए, मगर जो हमने अपना हथियार डाल दिए ना, तो बच नहीं पाएगा कोई भी। फिर इसमें हाँ चेतावनी है, बिल्कुल चेतावनी। हम हरी बीमारी में हम काम करते हैं। बाबा साहब का नाम ले रहे, तिलक लगा रखा है। बाबा साहब का था ये सब ना, अनपढ़ता से हमको बचना। मेरे को पहले अपना निर्णय तो जान लीजिए, किस तरफ है आप। बाबा साहब की बात कर रहे, तिलक लगा रहे। सुरेश चौहान है, मैं राष्ट्र सफाई मजदूर संगठन से प्रभारी मामलों दिल्ली प्रदेश से, और कोर कमेटी जो उसका भी मैं दिल्ली प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी है जो हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के एक भिन्न प्रकार के मजदूर है। कोई ईंट गाड़े का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का, लेकिन सफाई मजदूर काम वो काम करता है जो एक आदमी भीख तो मांग सकता है लेकिन सफाई नहीं कर सकता। मरे कुत्ते बिल्ली जो जानवर मर जाते उनको उठा के फेंकना, सीवर सफा करना, नाली सफा करना, रोड सफा करना, पर देश को सफा करके साफ सुथरा करके लोगों को भिन्न प्रकार की महामारी से हम बचाते हैं। हमारे बाल्मी समाज, हमारे सफाई कर्मचारी, मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, काम के टाइम पे दूसरे कपड़े पहनते हैं, और जब हम काम खत्म करते हैं उस टाइम दूसरे कपड़े पहनते हैं। ये धरना पड़ते हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ पे आए, अपनी आवाज़ लेकर आए, अपनी आवाज़ उठाने आए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथ ये दोगुला अत्याचार क्यों, जो भी शासन प्रशासन निगम है। राष्ट्र बन गया, राम मंदिर मिल गया ना आपको, तिलक लगा रखा। नहीं, मेरी बात उसको परेशान हो, तिलक के पीछे पड़ रहा, मजदूरों की समस्या सुनने नहीं आए, तिलक कर दिया है। आप तिलक का इंटरव्यू लेने आए हो, आप तिलक का इंटरव्यू लेने आए, या ये समस्या? मैं तो बता रही हूँ, ये पूछ रही हूँ, लोगों का सवाल होता है इस तरीके। भगवान महर्षि वाल्मीकि जो सबसे बड़े गुरु हैं, जगत गुरु भगवान महर्षि वाल्मीकि, तिलक लगाते मैं उनका बच्चा हूँ, सुस्त उनकी जनसंघ हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 20-25 साल हो गए हमारे सफाई कर्मचारियों, 25-30 साल हो गए हमारे सफाई कर्मचारी आहत हैं, दुखी हैं, उनको अच्छा भैया बताइए क्या कुछ करेंगे आप। हम तो ऐसा करेंगे, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारे सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया, उनको एरियल नहीं दिया, बोनस दिया, डेथ केस के जो सफाई कर्मचारी हैं लैपटॉप के, उनको पक्का नहीं करेंगे 30-25 साल हो गए, तो हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली को चक्का जाम करेंगे, और दिल्ली के अंदर जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे, कूड़े का ढेर लगा देंगे, ऐसा काम कर देंगे पूरी दिल्ली के अंदर कीड़े चलेंगे, महामारी फैल जाएगी। और जो एसीओ के अंदर इतने भी जो बैठे हैं ना, एसी के अंदर इतने अफसरान जो बैठे हैं, उनको हम ईंट सीट बजा देंगे। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगें नहीं मानेंगे तब तक हमारी बातें नहीं सुनेंगे, और हमारे को नहीं बुलाएंगे, हमारी बातों को निवारण नहीं करेंगे, हमारे समाज का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम इनकी ईंट ईंट बजा देंगे। और चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमें उसके लिए कोई आंदोलन करे, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, हम नहीं लगता जेल जाने। जब ऐसे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ना तनख्वाह मिली, सैलरी मिली हमारे बच्चों के लिए, 8 आनी घरों में कैसे 8 आनी है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, टूशन, लड़के अच्छा है। तो इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस टोनल की ईंट सीट बजा देंगे, चक्का जाम करेंगे, दिल्ली को तराईमाम कूड़ा कूड़ा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अभी हमने जो है यहाँ पर जो जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं उनसे बात की, किस तरीके से ये लोग परेशान है वेतन के लिए, लगातार इन्हें जो है वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार सत्ता में बैठी हुई जो इस तरीके से दावे और वादे करती आ रही है, लगातार कहती है कि कर्मचारियों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं, तो फिर ये लोग कौन है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार जो यहाँ पर महिलाएँ मौजूद है, तो वो कौन है महिलाएँ हैं जो लगातार यहाँ पर अपने हक अधिकारों की बात कर रही है, और लगातार यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको वेतन नहीं मिला है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक दाने का पैसा तक नहीं है। तो सोचिए, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन कर्मचारियों पर क्या कुछ बीत रही होगी, इसीलिए ये लगातार इस तरीके की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और लगातार इस तरीके से बोल रहे हैं कि त्राहीमाम हो जाएगा, रोड
पूरी जो रोड़े हैं जाम कर देंगे, चक्का जाम की सड़क सड़क जो है कूड़ा कूड़ा हो जाएगी। इसीलिए अब देखिए इनका अगला कदम क्या होगा। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली सिविक सेंटर।